देखो भाई लोग, काफी टाइम के बाद एक ऐसी वेब सीरीज आती है जिसका इंतजार सब लोग लगभग 2-3 सालों से कर रहे होते हैं, और जब आती है तो उसको एक ही रात में देख करके निपटा दिया जाता है, एंड फिर से हम अगले 2 साल तक का उसका इंतजार करते हैं। तो वैसे एक सीरीज मिर्जापुर सीजन 3 जो कि आने वाली है, इसका ट्रेलर आ चुका है। हाँ, 2 मिनट 37 सेकंड का पूरा ट्रेलर है, लेकिन ट्रेलर देखते देखते हमको कुछ कमी सी फील हुई कि यार मिर्जापुर नाम चल रहा है, मिर्जापुर का ट्रेलर देख रहे हो और कुछ तो कम है। तो पता चलता है कि भैया हमारी कालीन भैया की एंट्री ही नहीं थी कहीं, लेकिन जब एंट्री होती है तो वहां पर से लगता है कि हाँ ये मिर्जापुर का ट्रेलर है। 2 मिनट 7 सेकंड के बाद लगता है कि हाँ मिर्जापुर का ट्रेलर देख रहे हैं। उससे पहले सारी की सारी चीजें जो दिखाई गई, वो दिखाया गया है गुड्डू भैया का पागलपन, एक हाथ में पिस्टौल एक हाथ में खाली, उसको खुजाने के लिए रखे है ना। कुछ नए नए कैरेक्टर्स भी इस ट्रेलर के अंदर नजर आए, हमको नजर आ रहा है ट्रेलर को देखने के बाद कि कम से कम 3 अलग अलग पार्टीज बनेगी, मतलब कि जो लोग मिर्जापुर की गद्दी को हथियाना चाहते हैं। नंबर एक तो ये कि भैया जो हमारे अखंडानंद त्रिपाठी जी हैं वो चाहेंगे कि उनकी गद्दी वापस उनके हाथ में आ जाए, दूसरी तरफ हमारे गुड्डू भैया जो कि चाहते ही हैं कि वो मिर्जापुर के ऊपर राज करें, एंड उनकी जो वाइफ थी वो भी गुड्डू भैया के साथ में आ चुकी हैं। और तीसरी जो टीम है वो आपको याद होंगे, दद्दा त्यागी छोटे वाले, वही दद्दा त्यागी जिनको सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता था, तो वो भी इस लड़ाई के अंदर, उनका लड़का फिलहाल नजर आ रहा है ट्रेलर देखने के बाद, और काफी अलग अलग टाइप के सीन्स दिखाए हैं। गुड्डू भैया को जेल भी भेजा गया, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मुन्ना भैया की वाइफ जो कि पॉलिटिशियन है उनका दबदबा चल रहा है, एंड पॉलिटिशियंस के आगे कितना ही बड़ा गुंडा क्यों ना हो वो हार मान जाता है, क्योंकि उसके पास पावर ज़्यादा होती है ना, गुंडे के पास सिर्फ और सिर्फ ताकत, पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती, तभी पॉलिटिशियन एंड गुंडे दोनों लोग मिल करके काम किया करते हैं ताकि दोनों की सत्ता बरकरार रहे। ट्रेलर के बारे में बात करें तो पूरा का पूरा ट्रेलर एक तरफ और कालीन भैया की एंट्री एक तरफ, गुड्डू भैया का कैरेक्टर दिखाया है, पर गुड्डू भैया थोड़े से सनकी हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा ही सनकी हैं, कुछ समझ में नहीं आता उनको, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि वो कब क्या कर देंगे उनको खुद नहीं मालूम। तो अभी जो 3 यूनिट बनाई है, तीनों के तीनों फाइट करेंगे किसके लिए, मिर्जापुर की गद्दी के लिए। काफ़ी ज़्यादा रोल होगा इस पूरी सीरीज के अंदर पॉलिटिक्स का, कुछ नए नए कैरेक्टर्स नजर आएंगे। पूरी सीरीज के अंदर जो हम देख पाते हैं एक अच्छा व्यक्ति जिसका मतलब चरित्र साफ सुथरा बिल्कुल सही से हो, और कानून की धज्जियां जिसने नहीं उड़ाई अभी तक, वो सिर्फ और सिर्फ गुड्डू भैया के पिताजी ही हैं, वकील साहब, जो पूरी की पूरी प्रतिष्ठा कानून उसका पालन करते हुए समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मिर्जापुर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सब ने कानून को बिल्कुल बिल्कुल लंगोटे में पहन रखा है कि बस कहीं ना कहीं कुछ भी कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। वो बंदा एक ऐसा है जो अभी तक कानून की रक्षा करना चाहता है और कानून को फॉलो करता हुआ चल रहा है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मिर्जापुर सीजन 3 के अंदर हमको मुन्ना भैया नजर आएंगे? तो अगर मुन्ना भैया नजर आने होते तो ट्रेलर में होते, काफी सारे लोग ऐसी चीज सोच रहे होंगे, पर ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होता ना, कि अगर तुमको ट्रेलर में उनकी ग्लिम्प्स दिखा देते तो आगे चल करके हाइप किस चीज के ऊपर भी क्रिएट करते। देखो ऐसा है, उम्मीद है कि मुन्ना भैया सीरीज के अंदर हो सकते हैं, मतलब बच गए हों कभी इधर से उधर उधर से उधर, क्योंकि शूटिंग के दौरान उनको सेट के ऊपर देखा गया है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 0.02% की वो पूरी सीरीज के अंदर नजर आए, और इस चीज़ से इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी अच्छी तरीके से वर्क करेगी, और कहीं ना कहीं अगर किसी को पता चल गया कि मुन्ना भैया है सीरीज में तो सीरीज बूम जाएगी। अभी इस ट्रेलर से कुछ ज़्यादा हम अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि भैया ये मूवी तो है नहीं जो हम थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर लें कि हाँ 2.5 घंटे के अंदर इतनी चीज़ समेट देंगे, ये पूरी वेब सीरीज है, कब कौन सा क्या पलटा मार दे पता ही नहीं चलेगा यार। हाँ ये चीज़ तो है, गुड्डू भैया की लाइफ इस सीजन के अंदर भी बहुत अच्छी नहीं होने वाली है फॉर श्योर, उनकी ज़िंदगी के वो लगे हुए हैं। इस पूरे ही ट्रेलर से आपकी क्या उम्मीद है? हमको गुजमन भाई वहीं पे आया जहाँ पर कालीन भैया की एंट्री होती है, एंड 2-4 जगह पर और ट्रेलर के अंदर सीन्स हैं जिसको देख करके अच्छा लगता है। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में छोड़िए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपसे जुड़ते हैं, आप हमसे जुड़िए। बाकी इस वीडियो में इतना, बाय बाय।